गुरुवार को नगर परिषद अधिकारियों द्वारा नोटिस दिए बिना अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को लोगों के रोष का सामना करना पड़ा। नगर परिषद के वाहनों पर भी लोगों ने तोड़फोड़ कर डाली, जिसके चलते केवल एक मकान को ध्वस्त करने के बाद अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ा। शहर के नगर परिषद क्षेत्र में नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुवार सुबह नगर परिषद की टीम शहर के स्वर्ग रोड स्थित तीज की शमशान घाट के समीप पहुंची और जेसीबी से नाले पर निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया। कार्यवाही में एक मकान को ध्वस्त भी कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसी बीच नोटिस नहीं दिए जाने की बात को लेकर एक युवक ने जेसीबी पर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए नगर परिषद की टीम वापस लौट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने नुकसान का मुआवजा मांगने के लिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना था कि नालों पर उनके द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, इस बात से वे सहमत हैं, लेकिन एक दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि वह अपना सामान वहां से हटा लेते। उनका कहना था कि इस तरह अचानक कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है, ऐसे में उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। नोटिस नहीं दिया कोई छोरे के हाथ में लगे, खून खान हो चुका है, वॉशिंग मशीन टूट गई, नल का पाइप, चद्दर, हमारे गेट, खिड़की वड़िया सब टूट गई है। क्या होना चाहिए था? नोटिस देने चाहिए एक दिन पहले, ताकि हम उसके सामान को हटाते। हालांकि नाला इनका है, नगर परिषद का नाला है, सरकारी नाला, हमारा कोई हक नहीं है इसमें। आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने गए नगर परिषद के अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। वहीं नोटिस देने की जिम्मेदारी निर्माण शाखा की है, यदि उनके द्वारा नोटिस नहीं दिया गया तो यह उनकी गलती है। वहीं विरोध को देखते हुए कार्यवाही को रोक दिया गया है और नोटिस देने के बाद फिर से कार्यवाही की जाएगी। फिर ये क्या विरोध हुआ है? ये तो कह रहे हैं हमारे तोड़ने गलत हो गए। नोटिस नहीं दिया गया आपकी तरफ से? पहले निर्माण शाखा का काम है, निर्माण शाखा, इनको मौखिक सूचित कर दिया गया है।